हेलो पेरेंट्स स्वागत करते हैं आपको के एस फर्नीचर आई आज के एक और वीडियो में पेरेंट्स आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ऑफिस के केविन का डोर जो है कैसे बनाएं जो कि चारों तरफ फ्रेम रहेगा और बीच में फिक्स्ड ग्लास रहेगा रहे चाहे ग्लास सिक्स एम एम का लें या फिर एट एम एम का कोई दिक्कत नहीं है आप ले सकते हैं तो इसको कैसे बनाएं आज हम ये सब वीडियो में बताने वाले हैं जो कि प्लाई में बनाएंगे तो सबसे पहले जो है जहां हमें बनाना है उसका मेजरमेंट ले लेते हैं क्योंकि वो चौखट भी बनाना है हमें प्लाई का ही चौखट बनाएंगे हम और डोर भी प्लाईवुड का ही बनाएंगे इसमें जो है प्लस डोर का यूज़ नहीं करेंगे हम क्योंकि उसमें वेस्टेज ज़्यादा जाता है तो इसलिए हम प्लाई में ही यूज करेंगे इसको जो कि चीप रहता है थोड़ा सस्ता रहता है अच्छे से हो जाएगा वेस्टेज भी नहीं होगा और कम कास्ट लगेगा तो इधर देखिए मैंने हाइट तो ले लिया है हमारे फ्रेंड्स जो हैं हमारे मित्र ले रहे हैं साइज इसका और बेथ भी ले, ले लेते हैं दोनों हाइट और विर्थ लेने के बाद इसकी चौड़ाई ये देखिए पीओपी का पार्टीशन है तीन इंच का जितना ये है उतना हम उसको लेंगे चौखट आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं कम तो नहीं थोड़ा ज़्यादा ही ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ये देखिए मैंने जो है फ्रेम को कट करके जो है इसको लगा दिया है वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा कटिंग कर दिया बीच में और यहाँ वाटर लेवल का मैंने निशान लगाया हुआ है क्योंकि इसमें पेरेंट्स डोर बैठेगा तो चौखड़ जो है एकदम वाटर लेवल में होना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो वाटर लेवल में जरूर लगाएं और ये पतामी है जिसमें जो है हमारा डोर आके बैठेगा और ये आधे आधे पे है लगभग दो ए एम का प्लाई हम जॉइंट करके जो है इसमें डोर बनाने वाले हैं तो ये पूरा तीन इंच का है इसको हम अच्छे से जो है टाइट कर लिए इसमें पीओपी के जिप्सम वाले जो है पट्टी में पीछे से जो है प्लाई का टुकड़ा लगा के अब हम फाइनली डोर बनाएंगे डोर का जो है मटेरियल जो है फेरेंट्स हमारा रेड ओड का है अल्टरनेट प्लाई का है जो कि आई एस ओ सेवन वन जीरो है आप भी यही ले सकते हैं इससे महंगा वाला भी आता है इससे सस्ता में भी आता है कमर्शियल प्लाई भी आता है सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स मैंने इसको जो है एक ही सीट में बनाना है कि एक ही सीट में हमारा डोर भी हो जाएगा और उसी में चौखट भी हो जाएगा तो मिला जुला के एक आठ बाई चार के सीट में हम जो है चौखट और डोर पूरा रेडी कर देंगे और वैसे अगर बनाते तो हमारा एक सीट जो है चला जाता चौखट में थोड़ा लगेगा और प्लस डोर लाते थर्टी एम एम का तो उसमें वो अलग हो जाता है जो कि वो कास्टली भी पड़ता है और सबसे बड़ी बात उसमें ये रहता है फ्रेंड्स की जो है उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम हमको पंद्रह सोलह डोर बनाना है तो उसके बीच में का जितना भी बचेगा वो पूरा बेस्ट होगा ये देखिए मैंने पंद्रह सोलह डोर का एक ही टाइम जो है कटिंग कर लिया है और पाँच इंच की चौड़ाई कटिंग की हुई है बाहर का साइज़ हमारा पाँच इंच का रहेगा और अंदर का साइज साढ़े चार इंच का ताकि आधा इंच बाहर रहे और अंदर से ग्लास उसमें लगा सकें आप भी वैसा कर सकते हैं यदि आप लगाना चाहें तो ऐसा लगा सकते हैं पाँच इंच का भी फ्रेम ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम तो ग्लास के मेजर के हिसाब से लिए हैं क्योंकि जो है हमारा ग्लास जो है वो दो फिट में दो सूत कम रहेगा उसके हिसाब से हमने पाँच पाँच इंच की पट्टी दोनों तरफ पाँच पाँच इंच की ऊपर की पाँच इंच की और नीचे वाली आठ इंच की रखी हुई है आप भी ऐसा रख सकते हैं अपने साइज़ के हिसाब से यदि आप ऐसा बना रहे हैं या फिर बनवा रहे हैं ये थोड़ा सस्ते में निपट जाएगा दोस्तों इसमें जो है एक सीट में पूरा बीनी सॉरी चाहे तो बीनियर आप लगाएं या फिर लेमिनेट लगाएं दोनों में भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है इसके हिसाब से मैंने ग्लास का मेजर भी जो है कैलकुलेशन करके मैं जो है काम कर रहा हूँ ताकि हमारे आठ नौ दस टूर जो भी हैं वो जो है हमको अच्छे से हो जाए हमारे उसी एक ही जो है कटिंग के हिसाब से और वेस्टेज प्लाई ना हो क्योंकि टुकड़े टुकड़े में वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है यदि आप इसको सीट में चाहें फेरेंट्स तो सीट में भी कर सकते हैं सिंगल सीट में लेकिन दिक्कत क्या है कि वो बीच का निकला हुआ जो है हमारा वेस्ट थोड़ा ज़्यादा जाता है इसलिए जो है उसका यूज उतना अच्छे तरह से नहीं हो पाता इसलिए हम जो है फ्रेम कट कट करके इसको जो है ऐसे बना दे रहे हैं और डबल जॉइंट का बनाएंगे तो वो 18 एम एम एटीन एम एम मिला के थर्टी सिक्स एम एम हो जाएगा और दोनों तरफ ओन एम एम ओन एम एम का लेवनट लगाएंगे तो पूरा जो है थर्टी एट एम एम हो जाएगा तो मिला जुला के हम ऐसा कर रहे हैं तो एक तरफ से तो लग गया है देखिए उसमें अच्छे से फेविकोल जो है लगा के उसमें कीले मार दिए हैं आप चाहें तो इसमें स्क्रू भी लगा सकते हैं लेकिन आप इसका कटिंग करते समय बिल्कुल केयरफुली द्वारा करिए केयरफुली क्योंकि ये राइट एंगल में अगर नहीं रहेगा तो डोर का मामला है आगे पीछे हो जाएगा तो उसमें डोर नहीं बैठेगा थोड़ा भी जो है मेटने से आउट होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा इसलिए आप बराबर उसको मेटने में ही कटिंग करिए क्योंकि अंदर ग्लास आने वाला है तो ग्लास के लिए फिर दिक्कत हो जाएगा तो ये देखिए हमने इसको भी जो है कटिंग कर लिया है अब इसको भी जॉइंट कर देंगे हमारा पूरा जो है साइज थर्टी सिक्स एम तैयार होगा और एक जब पे इसके चारों साइड से हम जो है टीक का वेडिंग लगाने वाले हैं टी कोट का और दोनों साइड एन एम एम का लाइमिनट लगेगा जो कि बहुत अच्छा लगेगा आप इसके यगज पे चाहें तो यगज बाइंडिंग भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हम तो बीडिंग ही लगाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट करने में इजी रहता है उसमें रंदा मार सकते हैं एक जो बैंडिंग वाला मामला थोड़ा सा उसको एकदम एग्जैक्ट करना पड़ता है तब जाके होता है ऐसा भी हो सकता है यदि आप करना चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं लेकिन हमने तो बीडिंग ही लगाना है तो फ्रेंड्स आप यदि ऐसा बनाना चाहते हैं तो मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है और कर भी रहे हैं आप इसको देख के ऐसा कर सकते हैं ऐसा बना सकते हैं अभी जो है हम इसको कटिंग कर दे रहे हैं कटिंग करके इसमें ठोंक देंगे और ये देखिए मैंने एक डोर जो है लगभग रेडी कर दिया है ऐसे हम हमको पंद्रह सोलह डोर बनाने हैं पूरे और सब में वीडिंग लगाना है और सब में पूरा लेमिनेट लगाना है ये फ्लश डोर में थोड़ा इजी रहता दोस्तों करने में लेकिन बीच का कटिंग उसके बाद ग्लास रोकने के लिए एक्स्ट्रा बीडिंग ठोकना और सबसे बड़ी माइनस पॉइंट उसकी थी जो है मटेरियल का बेस्टेज हो जाना वो बहुत अच्छा नहीं था इसलिए हमने फ्लाई का सिलेक्शन किया कि यदि थोड़ा बहुत बचता है तो उसको और जगह यूज कर सकते हैं हम लोग कोई बॉक्स बना सकते हैं या फिर फ्रेम बना सकते हैं या फिर और जगहों पे यूज कर लेंगे लेकिन जो थर्टी एम mm का जो है प्लस डोर आएगा दोस्तों उसके बीच का जो बचेगा तो कहीं यूज लायक नहीं रहता है इसलिए हमने उसको नहीं लिया है और ये थोड़ा इसका कास्ट कम भी है इसलिए जो है इसको हम लोग प्लाई द्वारा बना रहे हैं और इसके साइजेस एक बार आप ज़रूर चेक करें बनाते समय नहीं तो ये फ्रेम का डोर है जो है इसमें बाद में कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत होगा थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाएगा कम ज़्यादा दिखेगा इसलिए एक बार जो है बनाकर जरूर चेक करें ये देखिए मैंने छः डोर का बना दिया है अब इसके चारों तरफ हम जो है बीडिंग लगाएंगे बीडिंग लगाने के बाद हिंजिस लगाएंगे हिंजिस लगा के उसके बाद जो है रेडी करके उसको चौखट में फिट करेंगे तो कैसा लग रहा है हमारा आज का ये वीडियो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं क्या आप भी ऐसे बनाए हुए हैं या फिर कहीं बनाने वाले हैं तो ज़रूर बनाएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और वीडियो को भी हमारे लाइक करें तो चलिए आगे देखते हैं देखिए मैंने पाँच इंच का पाँच इंच बाई एक इंच का हिंजिस लेके आया हुआ है अब इसको मशीन द्वारा हम इसमें फिट कर रहे हैं जो कि अच्छी तरीके से इसको लगा देते हैं और इसमें हम चार इंजिस लगाएंगे फेरेंड्स जो कि रेसर कंपनी का है अच्छा है ये हैवी वेट ले सकता है कोई दिक्कत नहीं है अब आपका फाइनली डोर रेडी है फेरेंड्स देखिए ऑफिस का डोर है डोर क्लोजर भी पीछे से लगा हुआ है कितना अच्छा लग रहा है पीछे से वीडिंग लगा है तो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद